फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा घर खाली का खाली पड़ा है, जबकि आज तो छुट्टी है, आज दशहरा है, बट सब लग गए अपने अपने काम पे। तो मैंने तो नहा लिया है, अभी बच्चों ने नहीं नहाया, परी नहाने गई है और परी के पापा ना रावण बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल रात डिसाइड हुआ। परी के बाबा जी के साथ बैठ के सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि बच्चों ने और बड़ों ने सबने डिसीजन लिया कि चलो हम लोग घर पे रावण बनाते हैं, क्योंकि अब बाहर जाने का जैसा सीन तो ऐसा लगता नहीं है। एक तो इतनी हौच पौच होती है और बच्चे भी अग्री नहीं होते हैं कि उन्हें इतनी भीड़ में जाना है। तो जो नवमी वाला दिन था तो उसमें ही इन लोगों ने जो भी अपने सामान खरीदने थे वही खरीद लिए, वो तो आपको पता ही है। तो मतलब लगता नहीं कि जाना है, और अगर जाएंगे तो जब थोड़ा सा मेला ना हल्का हो जाएगा जैसे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि तब घूमने चले जाएँ, एक आध राउंड लगाने चले जाएँ, ताकि बच्चों को भी तो पता लगे कि कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, और जो रावण बनता है उसको देखने के लिए भी कितनी दूर दूर से आते हैं। तो अभी रावण बनाने की तैयारी हो रही है और मैं जा रही हूँ फटाफट से नाश्ता बनाने, उसके बाद सीधा खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि रावण जी का मेकअप मुझे ही करना है। तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया है, अभी फिलहाल इसे पूरा करूँगी। तो अभी मैं जाती हूँ, सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ, भूख लग रही है बहुत। ये देखो, ये छोटे से बच्चे ने अभी नहाया भी नहीं है और ये रावण बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बड़ा बच्चा भी नहीं नहाया ये बड़े बच्चे ने भी नहीं नहाया अभी, और ये लीन हो गए हैं रावण बनाने में। आप देख सकते हो क्या क्या हालत हो रखी है यहाँ पे, और ये पुआल भी आए हैं। तो हमारा रावण बनने वाला है, अब देखो कितनी देर में बनता है। मतलब अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं फ्री होती फिर आती हूँ मैं, ठीक है? वैसे ये तो सारे ऊपर छत वाले थे, अभी ला रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कितनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है रावण को बनाने की। तो यहाँ पे बना रही मैं अभी काले चने की सब्जी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद सीधा पतंग वाला जो काम था वहाँ पे हम लोग बिजी हो गए थे, और काले चने मेरे पास थोड़े से रखे हुए थे उबले हुए, तो वो मैंने मतलब बचा के रखे थे नाश्ते के लिए, बट परी की रिक्वेस्ट पे मैंने फिर सब्जी बना दी। और बनाई है मसूर वाली दाल, जो साबुत मसूर वाली दाल होती है वो बनाई, जो छिलके तुरे वाली होती है। तो परी को काले चने की सब्जी बहुत पसंद है, तो शायद वो दाल परी नहीं खाएगी, क्योंकि काले चने का ऑप्शन जब है तो सिंपल बात है दाल नहीं खाएगी। और यहाँ पे सब बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है, मतलब परी और परी के पापा को और निशु को, और अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो आप देख सकते हो कि मतलब कोशिश मेरी यही है कि फटाफट से खाओ और काम पे लग जाओ, क्योंकि रात तक जल्दी जल्दी काम पूरा करना था। और आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से हम लोग लगे, तो जितना भी सामान इसमें यूज़ हुआ है ना, सारा वेस्ट मटेरियल ही था, जो कि जिससे मुंह बनाया था वो चकोर सा डिब्बा रखा था, और उसको शेप देना था कि थोड़ी सी गोलाई हो जाए, क्योंकि वो चकोर था। अब रावण भी नाराज़ हो जाएगा ना कि चकोर काय को बना दिया भाई, अगर बनाना था तो कुछ और गोल बना देते। तो उनको थोड़ा सा शेप दे रही थी मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले पेपर को मैंने अच्छे से मतलब मोड़ मोड़ के साइड में, मतलब जो गाल वाला हिस्सा होता है वो बनाना शुरू किया। तो कुछ बहुत तो मुझे समझ में आ रहा था, पर कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा था। तो आप समझ ही सकते हो कि परी के पापा कैसे पीछे रहने वाले हैं, वो तो मेरी मदद करने के लिए हमेशा आगे ही रहते। वैसे पता है पूरा रावण बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो मुझे को दिया गया था, बट बाद में परी के पापा ने भी मदद करानी शुरू कर दी। बट जब वो किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो समझ लो कि वो काम बिल्कुल सॉलिड वाला होना है, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब मैं नहीं इतना कर पाती सॉलिड जितना वो कर देते हैं। तो फाइनली देख सकते हो कि उन्होंने अपना काम छोड़ के फिर वो मेरे काम पर भी लग गए, मतलब मुंह बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो फाइनली हमारा जो चकोर है, जो मुंह, वो थोड़ा सा गोल वाली शेप में आ चुका है, मतलब काफ़ी हद तक आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना जो ये कवर चढ़ा हुआ है ना, मतलब जो इसमें कलर है ऑरेंज कलर का, ये पतंगें रखी हुई थी हमारे पास, जिनको हमने उसकी तीलियाँ निकाल निकाल के जोड़ दिया। और उसके बाद अब ये बना रहे हैं रावण जी का मुकुट। तो मतलब जो भी ये सामान था ना, जो इस वक्त कबाड़ में बिकने वाला था, ये इस वक्त बड़ा काम आ रहा था। और पतंगे जो बच्चे ना जब भी उड़ाते हैं तो छत में ही छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी पतंगे ना इतनी यूज़ हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पापा भी बड़े एक्साइटेड थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह मतलब सुबह से लगे हुए हैं, और परी के पापा ना कभी छत पे जा रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, तो मतलब लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग भूसा भर रहे हैं, तो मतलब पापा बड़ा खुश हो रहे थे देख के कि चलो अच्छा है, बच्चों को खुश करने के लिए मेरे बच्चे भी लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी भूसा वगैरह था वो भर रहे थे, सॉरी पुआल इसे कहते हैं एक्चुअली, ये जो भी पुआल वगैरह है ये परी के पापा का कोई सामान आया था, साइड वाला कोई सामान आया था उसका था, और ये अभी तक मतलब संभाल के रखा हुआ था कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, और लिटरली आज जरूरत पड़ गई। तो परी के पापा का भी मानना है कि ना कभी भी सामान को ज़्यादा फेंकना नहीं चाहिए, मतलब हर वक्त चीज़ें मतलब खराब ही नहीं होती। तो हमारा पूरा परफेक्ट रावण बन के ये देखो ना,
देखो डरावना सा लग रहा है, नहीं निकलेगी, इतने अच्छे से पापा ने एडजस्ट कर रखा है। तो अभी भी डेकोरेशन करनी रह गई थी, जैसे कि इसमें कुछ स्टिकर वगैरह लगा रहे थे जो कि इनके ही साइड के पड़े हुए थे, तो आप देख सकते कि सारा ना ज्वेलरी वगैरह का भी मैंने कर दिया था। तो मतलब दोनों ने मिलकर बनाया, खूब मन से बनाया था, बच्चों को ना मतलब एक लग रहा था कि उनको भी मतलब एक खुशी मिले कि हम बाहर नहीं गए, तो क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है नहीं कि उन्हें बाहर लेकर जाओ और मतलब इतनी भीड़ में मतलब बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, और आजकल का तो खैर माहौल ही ऐसा हो गया है कि घर में रहो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे पापा ने मंगवाए थे ढोकला और पकौड़ियाँ वगैरह और पेटीज वगैरह, मतलब जो भी बच्चों ने कह दिया था। तो मतलब यहाँ पे सभी लोगों ने बैठ के खूब अच्छे से पार्टी की, एक छोटी सी पार्टी। फिर ये प्रोग्राम था कि सभी लोग बाद में जाएंगे, रावण को ऊपर फूकने के लिए जाएंगे, तो पहले अच्छे से खा पी लेते हैं, जैसे सपोज़ कि हम मेले में ही बैठे हैं। तो जब ऐसे फेस्टिवल होता है, जैसे चाहे वो दिवाली हो, होली हो या कोई और भी चीज़ें हो, तब हम लोग अपने मायके में भी होते हैं। मतलब हमारा दिमाग ना जो पूरा पूरे टाइम मायके में ही होता है, और मतलब वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो हम लोगों ने शादी से पहले हम लोग क्या करते थे। तो पापा भी वहाँ पे जलेबी वगैरह ज़रूर लाते थे, और हमारे तो पान खाने की भी परंपरा है, तो जिस दिन दशहरा होता है उस दिन सब लोग पान भी खाते हैं, और सच में बहुत मज़ा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ छत पर, बच्चे भी मतलब पहुँच चुके हैं और पापा भी अभी आने वाले हैं छत पे। तो यहाँ पे अब रावण फूकने का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वही मेरी वाली फीलिंग आ रही है कि अच्छा सा रावण सजा हुआ। वैसे एक बात लो, इसका जो भी मेकअप है वो कैसा लगा, ये प्यारी सी टंग, लिप्स और ये मूछें वगैरह सब कैसी लगी बताना जरूर, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है ये कैसा लगा ये भी बताना। भाई परी के पापा ने उन्होंने मेहनत बहुत की, वैसे मैंने बहुत ही कम की, परी के पापा ने ही सब कुछ तैयार किया था। तो यहाँ पर पापा अब जलाने जा रहे हैं रावण को। रावण नाम लगने जा रही है, कौन कौन देखेगा लोगों को अपने राम जी और सीता जी से तो मिलवाए नहीं, तो प्लीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार देखना जरूर कि कौन है हमारे राम सीता, बहुत ही क्यूट है, दोनों ही बहुत क्यूट है। तो मैं आपको दिखा, ये है हमारे श्री राम और ये है हमारी सीता मैया, कैसे लगी? सीता ज्यादा शर्मा रही है। सीता जी, ओ सीता जी को इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि डर के मारे पीछे खड़ी हुई थी, बताओ। हाँ, पटाखों की वजह से। तो निशु सीता बनने के लिए क्या तैयार हो गया कि परी ने तो पता फिल्टर की ढेरी लगा दी, आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल ब्राइडल वाला लुक था जो बिल्कुल वाकई में सीता मैया से कम नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। निशु तो बेचारा इस बार भी सब कुछ सुन रहा था, पर उसे भी खूब मजा आ रहा था। तो फाइनली आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स बताना जरूर, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना।